आसम खान सवाती का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा के इलाके मानसहरा से है। कराची में वकील की हैसियत से अपने करियर का आगाज करने वाले आसम सवाती 1978 में अमरीका चले गए। आसम सवाती ने MA इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस की डिग्री हासिल कर रखी है, जबकि LLB LLM ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी से मुकम्मल किया। साउथ टेक्सास कॉलेज ऑफ लॉ से डॉक्टर ज्यूरिसप्रूडेंस और फिर टेक्सास बार से पास हुए और टेक्सास में अटॉर्नी कानून बन गए। आसम सवाती अमरीका में स्टोर्स की एक चेन के मालिक और पाकिस्तानी अमरीकी कांग्रेस के रुकन थे। आसम सवाती ने सियासत का आगाज जमीयत उलमाए इस्लाम फे से किया। 2006 से 2011 तक वफाकी वजीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी रहे, जिसके बाद सेनेट से इस्तीफा देकर 17 दिसंबर 2011 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए। सवाती ने सुप्रीम कोर्ट में हज बदनवानी के मुकदमे की पैरवी की थी, जिसके नतीजे में हकूमत को मजहबी अमूर के साबिक वजीर हामिद सईद कासमी की बरतरफी पर मुअत्तल कर दिया गया। 2018 सेनेट इंतखाबात में वो एक बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर सेनेटर मुंतखब हुए। इमरान खान की काबीना में 18 अप्रैल 2016 से 6 अप्रैल 2020 तक पार्लिमानी अमूर के वफाकी वजीर की हैसियत से खिदमात सरंजाम दे चुके हैं। वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुंतखब सीनियर नायब सदर हैं। आसम सवाती पाकिस्तान की तारीख के अमीर तरीन पार्लियामेंटेरियन में से एक हैं, जिनको बाज़ाब्ता तौर पर ऐलान करदा दौलत पर 20.5 मिलियन टैक्स आयद किया जाता है।